गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड लेक्चर देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया था। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन का जो है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। हाइड्रोकार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यानी न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो बहुत ही ईजी है और हम वो पहले से भी जानते थे। फिर हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको अगर हाइड्रोकार्बन पर चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, या अगर हाइड्रोकार्बन पर कोई फ्री रेडिकल या अगर उस पर डाई रेडिकल या लोन पेयर हो तो उसका जो है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। फिर हमने दो नए टर्म सीखे बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम लोगों ने कैसे निकाला था, परसेंटेज पी कैरेक्टर के आधार पर। परसेंटेज पी कैरेक्टर के बारे में भी हमने देखा था और इस तरीके से कार्बन के तीन अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन को हमने देखा था और उन तीन अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हमने कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को भी फाइंड आउट किया था। आज हम लोग उसे आगे कंटिन्यूस करते हैं, कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होगा बेटा। कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन की मैकेनिज्म को अच्छे से समझने के लिए कि रिएक्शन आखिर कैसे होती है, हमें कुछ कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी होगा और उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आज से सीखना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज नंबर एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बेटा, नंबर एक बॉन्ड क्लीवेज। इसी को हम लोग बॉन्ड फिशन भी कह सकते हैं, बॉन्ड फिशन। और आपको पता है फिशन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिशन। जब बेटा इसको हम लोग सीख लेंगे उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जब ये हम लोग सीख लेंगे बेटा तो हम लोग अटैकिंग रिएजेंट के बारे में जानेंगे, यानी तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग हमारा है बेटा अटैकिंग रिएजेंट। सब बताएंगे बेटा। और जब अटैकिंग रिएजेंट भी सीख लेंगे तो चौथा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट ये चार कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बहुत सारी जानकारी या रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने में बहुत सारी जो है हमें हेल्प मिलेगी। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा जो है बॉन्ड क्लीवेज जो है कंप्लीट हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो है बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो है बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज या इसी को बॉन्ड फिशन भी कहते हैं, बॉन्ड फिशन, इसी को बॉन्ड फिशन भी कहते हैं। ये पहला पार्ट जो है कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट है बेटा। क्या है बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिशन, तो याद रखिए बेटा ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है बॉन्ड क्लीवेज किसे कहते हैं बेटा, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ नए बच्चे हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानते हैं,
बता बेटा कौन कौन कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानता है। ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड कई टाइप के होते हैं बेटा, हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रखा है। कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड हमने पढ़ाए हैं बेटा, उनमें एक कोवेलेंट बॉन्ड था। और केमिकल बॉन्डिंग में हमने सिखाया था कि कहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कहाँ आयनिक बॉन्ड बनेगा, कहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि बॉन्ड क्लीवेज, जिसका दूसरा मतलब बॉन्ड फिशन भी होता है, वो क्या है बेटा? बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना ही बॉन्ड क्लीवेज कहलाता है। दो तरीके से ब्रेकिंग होती है बेटा, ब्रेकिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है, या कहें बेटा क्लीवेज जो होता है बॉन्ड का वो दो तरीके से होता है। एक होता है बेटा होमोलिसिस के द्वारा, और एक होता है हेट्रोलिसिस के द्वारा। होमोलिसिस और दूसरा होता है हेट्रोलिसिस। यानी अगर हम कहें तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो दो तरीके से टूटता है, या दो तरीके से टूट सकता है। एक टूटेगा बेटा तो एक जैसे फ्रेगमेंट क्या होंगे? जनरेट होंगे। और दूसरा बेटा, जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एक जैसे फ्रेगमेंट जनरेट नहीं होंगे, ठीक है? इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है इसका मीनिंग। लिसिस का मतलब होता है बेटा टूटना या ब्रेकिंग, ठीक है? और होमो का मतलब एक जैसे, यानी इस तरीके से बॉन्ड का फ्रेगमेंट बने, इस तरीके से बॉन्ड का टुकड़ा बने कि जो है एक जैसा हो, ज़रा दो टुकड़ों में बेटा कोई भी अंतर ना हो। और यहाँ पर हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, और लिसिस का मतलब होता है टूटना। यानी यहाँ पर जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो फ्रेगमेंट जो जनरेट होंगे दो, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रेगमेंट होंगे। अब इसमें जो होमोलिसिस है, आइए समझते हैं कि होमोलिसिस कब होगी और हेट्रोलिसिस कब होगी, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में कब होमोलिसिस होगी और कब हेट्रोलिसिस होगी। तो सबसे पहले हम लोग होमोलिसिस के बारे में सीखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास बेटा एक हाइड्रोकार्बन है, CH3। अब ये हाइड्रोकार्बन में आपने ये देखा कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसे हमें पता चला बेटा? ये हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, कि कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना है ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। आगे समझो बेटा, और आपको पता है कि ये इथेन है, यानी एक एल्केन है, और एल्केन नॉन पोलर होते हैं। अगर मैं इसको ओपनली लिखूं तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि कार्बन, और इस कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये देखिए हाइड्रोजन। इसको मैंने ओपन फॉर्म में लिख दिया। अब ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा इस बॉन्ड को बनाने के लिए, ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा इस बॉन्ड को बनाने के लिए। ये कंपाउंड या ये मॉलिक्यूल जो इथेन है बेटा, ये क्या है बेटा? नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों है बेटा? ये बॉन्ड क्या बेटा? नॉन पोलर है। नॉन पोलर इसलिए है क्योंकि दो एटम के बीच जो बॉन्ड बना है वो दोनों एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग नहीं है, क्या बेटा? सेम है। आइए देखते हैं, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो भी है वही इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, क्योंकि इससे लगे सारे एटम सिमिलर हैं और इससे लगे सारे एटम सिमिलर हैं, या इसके अराउंड बने हुए सारे बॉन्ड सिमिलर हैं और इसके अराउंड बने हुए सारे बॉन्ड क्या है बेटा? सिमिलर हैं। तो सेम एटम होने की वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो जितना ये खींचेगा शेयर इलेक्ट्रॉन को उतना ये खींचेगा, तो ना तो इस पर ना तो ये खींच पाएगा ना ये खींच पाएगा, और इस तरीके से कोई भी यहाँ पर चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी आपको पार्शियल चार्ज डेवलप होता हुआ नहीं दिखेगा। इस तरीके से जब भी बॉन्ड टूटेगा, या कहें बेटा ये इथेन को जब भी हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? ये बीचों बीच से टूटेगा। मान लीजिए कि दो इंसान हैं और दोनों ने आपस में हाथ मिलाया है, और दोनों इंसान की जो पावर है, जो ताकत है बेटा, वो एक जैसी है। दोनों ने हैंड को शेक किया है, और अगर हमें छुड़ाना हो तो क्या होगा? वो बहुत मुश्किल से छूटेगा, अगर छूटेगा तो बीचों बीच से छूटेगा। वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी है बेटा, कि जितनी पावर इसकी है उतनी पावर इसकी है, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाए हैं, जब भी टूटेगा तो क्या होगा बेटा? बीचों बीच से टूटेगा।
और जब बीचों बीच से टूटेगा तो फ्रेगमेंट क्या होंगे, सेम जनरेट होंगे। देखिए कुछ इस तरीके से टूटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से ये जो बॉन्ड टूटता है वो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, दोनों की पावर क्या बेटा सेम है, तो इसलिए बीचों बीच से टूटेगा। अब बीचों बीच से टूटने का मतलब, अच्छा बॉन्ड क्या है बेटा, बॉन्ड कुछ नहीं है, ये जो हम लोग ये लाइन खींचते हैं लाइन वाइन नहीं है, बॉन्ड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक लाइन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है बेटा, बॉन्ड उन कुछ नहीं होता। तो जब ये बॉन्ड बीच बीच में से टूटेगा मतलब दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना है, तो हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। और देखिए जो ये रिप्रेजेंटेशन है फिशन का, जो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, वो हाफ कर्व से दिखाया जाता है बेटा। और जब इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा तो देखिए क्या जनरेट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से दो मिथाइल फ्री रेडिकल आपको मिलेंगे, CH3 और CH3। ये देखिए मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हुए। मैंने कहा आपसे कि ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटें तो एक जैसे फ्रेगमेंट जनरेट हो, तो इस टाइप की बॉन्ड क्लीवेज को, इस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज को हम लोग होमोलिसिस कहेंगे बेटा, यानी टूटने पर जो जो टुकड़े बने हैं वो एक जैसे हैं बेटा, क्या है एक जैसे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, जबकि यहां पर बेटा अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड में हम लोग यहां पे ले लें मिथाइल क्लोराइड, यहां पर जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड क्या है बेटा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड ये भी है, कार्बन कार्बन के बीच बना हुआ, कार्बन कार्बन क्लोरीन के बीच बना हुआ है बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर दोनों एटम के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है दोनों एटम सेम है, लेकिन यहाँ पर दोनों एटम सेम नहीं है। कोवेलेंट है बेटा कि दोनों जो एटम हैं वो दोनों क्या बेटा, दोनों नॉन मेटल हैं, इसलिए ये बॉन्ड क्या होगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिवली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो डिफरेंट होने की वजह से ये बॉन्ड पोलर है। इसमें आप जानते हो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो जो झुकाव होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा और कार्बन की तरफ कम होगा। ये बात ऐसे ही है बेटा कि मान लीजिए कि एक नौजवान है और वो एक बच्चे से क्या हाथ मिलाया है, और दोनों का हाथ छुड़ाने के लिए कोई तीसरा बंदा आया। अब नौजवान ने उस बच्चे का हाथ बहुत तेज़ी के साथ पकड़ा है, बताइए क्या हाथ बीचों बीच से छूट सकता है, नहीं, बच्चे का हाथ टूट जाएगा लेकिन बीचों बीच से नहीं टूटेगा, नौजवान का हाथ तो नहीं टूटेगा क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत है। कुछ इसी तरीके से बेटा अब यहाँ पर देखिए, नौजवान मतलब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा तेज़ी के साथ खींच रहा है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका झुकाव देखिए कुछ इस तरीके से होगा। CH3 यानी ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है वो इलेक्ट्रॉन वास्तव में क्लोरीन की ओर क्या होंगे, झुके होंगे, और इस तरीके से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखेगा और इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो जब भी बॉन्ड टूटेगा बेटा तो बॉन्ड की जब ब्रेकिंग होगी तो देखिए इस तरीके से टूटेगा, और इस तरीके से टूटने की वजह से इसके एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की यानी क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बेटा, गेन होगा। यानी क्लोरीन का अपना खुद का तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और साथ ही साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, और इस तरीके से कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा बेटा, फायदा हो जाएगा। यहां पर और इसको किस तरीके से दिखाते बेटा, फुल एरो से दिखाते हैं, ये देखिए, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो उधर वाले एलिमेंट को या उधर वाले एटम को मिलते हैं बॉन्ड के टूटने पर बेटा। बॉन्ड के टूटने पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो उसके ओर चले जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर मिथाइल को एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और यहाँ पर क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी, इस तरीके से क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि
कि ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके से हो सकता है। हेट्रोलिसिस यहाँ आप देख रहे हैं, हेट्रोलिसिस यानी कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने पर जो फ्रेगमेंट जो जनरेट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है बेटा। यहाँ पर एक कैटायन जनरेट हो रहा है, एक अनायन जनरेट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको हम लोग सिंपली एक जगह लिख सकते हैं कि दोनों क्या बेटा, मिथाइल फ्री रेडिकल, दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल। तो सिंपली इस तरीके से लिख दिया जाता है कि दो मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। याद रखिए इसको क्या कहते हैं बेटा, फ्री रेडिकल, और यहाँ पर मिथाइल है तो मिथाइल फ्री रेडिकल भी लिख सकते हैं। फ्री रेडिकल जब किसी एटम पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जो बॉन्ड ना बनाए, फ्री रेडिकल बेटा कहलाता है। याद रखिए फ्री रेडिकल न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्री रेडिकल जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, कोई ये चार्ज नहीं होते हैं। हेट्रोलिसिस में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर आपको हेट्रोलिसिस होने के बाद आपको क्या मिलेंगे, आयन मिलेंगे। आपको दिख रहा है बेटा कि यहाँ पर दो आयन जनरेट हो रहे हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन, यानी एक कटायन मिल रहा है और एक एनायन मिल रहा है। जब भी हेट्रोलिसिस होगी तो आपको आयन मिलेंगे, एक कटायन मिल रहा और एक एनायन मिल रहा है। तो फिर से सवाल उठ सकता है, सर कब होमोलिसिस होगी और कब हेट्रोलिसिस होगी, या हो कब कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो होमोलिसिस को फेवर करेगा और कब कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा कि जो है दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है फ्रेगमेंट जनरेट हो। तो आइए देख लेते बेटा कि होमोलिसिस तभी हो सकती है जब दोनों एटम के बीच बनने वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो बेटा, नॉन पोलर हो। क्या हो, नॉन पोलर हो। होमोलिसिस तभी हो सकती है जब दोनों एटम के बीच बनने वाला जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर हो, और नॉन पोलर तभी होगा जब दोनों एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो बेटा, सेम हो। मान लीजिए कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दो है, तो ये भी कार्बन है, इसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दो है, तो इस दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर निकालें तो कितना आएगा बेटा, जीरो। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जब जीरो हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, होमोलिसिस होगी, ठीक है बेटा। तो होमोलिसिस होने के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो डिफरेंस है दो एटम के बीच जो बॉन्ड बना है उन दोनों एटम का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है वो जीरो आना चाहिए। क्या सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जीरो आने पर ही होमोलिसिस होती है, कुछ और चीज़ें हैं जो होमोलिसिस को फेवर करते हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होमोलिसिस को क्या करती हैं, फेवर करती हैं। जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट भी होमोलिसिस को फेवर करते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट भी होमोलिसिस को फेवर करते हैं। अब बात उठी सर नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या हो, अच्छा सॉल्वेंट तो आप जानते हैं, नॉन पोलर क्या है, यहीं पर अगर आप फंस गए हैं तो आइए बताते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है। नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल हैं, ये देखिए बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जिसे हम पायरीन भी कहते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड ये देखिए CH2, बेंजीन, केरोसिन ऑयल, तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट को जानते हैं, CCl4, CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, केरोसिन ऑयल। अगर आप के पास, अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो नॉन पोलर है और नॉन पोलर कंपाउंड को आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया है तो अब जो बॉन्ड टूटेगा वो होमोलिसिस के द्वारा टूटेगा बेटा। जैसे आप जानते हो कि वाटर एक सॉल्वेंट है और वाटर में अगर आपने NaCl डाल रखा है, NaCl, तो तुरंत आप जानते हो कि ये NaCl वाटर में पहुंचते ही ये अपने आयनों में टूट जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, वाटर यहाँ पर क्या बेटा, पोलर सॉल्वेंट, आपने पोलर सॉल्वेंट में पोलर मॉलिक्यूल को डाल दिया है और यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, हेट्रोलिसिस हो रही है, यहाँ पर एक कैटायन जनरेट हो रहा है, एक एनायन जनरेट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डालते हैं तो होमोलिसिस होने की संभावना बढ़ जाती है बेटा, या कहें होमोलिसिस होती है। ठीक है बेटा, अब इसको आप नोट कर लीजिए ताकि मैं कुछ और पॉइंट्स लिख सकूं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं ऊपर वाले को,
तो फिर से एक पॉइंट उठता है, सर क्या सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डालने पर ही होमोलिसिस हो सकती है, क्या और चीज़ें नहीं है या और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो होमोलिसिस करा सकें? तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो होमोलिसिस को फेवर करती हैं, अदर फेवरेबल थिंग्स, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो होमोलिसिस को प्रमोट करती हैं या फेवर करती हैं, वो क्या है बेटा? जैसे हाई टेम्परेचर, अगर आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और आपने उसको हाई टेम्परेचर पर रख दिया है तो जो बॉन्ड टूटेगा वो होमोलिसिस के द्वारा टूटेगा। हाई टेम्परेचर, सनलाइट, और सनलाइट को देखिए एच न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कोई चीज़ है अगर वो नॉन पोलर है, लगातार वो सनलाइट के कॉन्टेक्ट में है, तो उसमें भी बॉन्ड क्या होता है? होमोलिसिस के द्वारा टूटता है। अल्ट्रा वायलेट रेज आपने पढ़ा होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज भी होमोलिसिस को प्रमोट करती है। वेपर फेज भी होमोलिसिस को प्रमोट करता है। पहले से उपस्थित अगर फ्री रेडिकल है तो वो भी क्या करता है बेटा? होमोलिसिस को फेवर करता है। जैसे पहले से अगर फ्री रेडिकल है तो वो स्टेबल मॉलिक्यूल को क्या कराएगा बेटा? होमोलिसिस कराएगा। फ्री रेडिकल एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है और अपने आसपास पड़े हुए स्टेबल मॉलिक्यूल को टूटने के लिए क्या करता है बेटा? प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि एसी या फ्रिज से एक गैस निकलती है जिसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में जाती है और एटमॉस्फेयर में सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा ये टूट जाती है और यहाँ से जनरेट होता है क्लोरीन फ्री रेडिकल। यही क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन से रिएक्शन कर लेता है और ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देता है और इस तरीके से धीरे 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 ओजोन ऑक्सीजन से क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा? क्लोरीन के ऑक्साइड, और इस तरीके से ओजोन लेयर जो होती है वो पतली होती चली जाती है। ठीक है बेटा, तो जैसे जैसे आप एसी या फ्रीज इनका जो है यूज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ज्यादा से ज्यादा निकलेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा तो ये गैस एटमॉस्फेयर में जाएगी, इसे आप रोक नहीं सकते। एटमॉस्फेयर में जब जाएगी तो फिर ये सनलाइट या अल्ट्रावायलेट या हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में क्या होगी बेटा? इसकी होमोलिसिस होगी, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जब होमोलिसिस होती है तो वहां से एक जनरेट होता है फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। आपने देखा अभी अभी यहां पर एक मॉलिक्यूल बना था, हमने उसको तोड़ा था, यहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है। ऐसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कंपाउंड है, एक केमिकल है जिसकी होमोलिसिस होती है और यहां पर क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है और ये ओजोन लेयर से जाके रिएक्शन कर लेता है। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा कि पहले से अगर फ्री रेडिकल है तो वो फ्री रेडिकल को बनाने के लिए क्या करेगा बेटा? फेवर करेगा। आइए हम लोग यहां पर सीखते हैं हेट्रोलिसिस के बारे में और पढ़ते हैं कि हेट्रोलिसिस कब होगी। हेट्रोलिसिस तभी हो सकती है बेटा जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कितना हो? जीरो हो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जीरो ना हो बेटा, यानी दो एटम जिनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना है वो एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है, तभी क्या होगा बेटा? हेट्रोलिसिस होगा। और हेट्रोलिसिस को और कौन है बेटा, और कौन कौन लोग हैं जो फेवर करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो हेट्रोलिसिस को फेवर करते हैं। जैसे होमोलिसिस को फेवर करने वाला कौन था बेटा? आपने अभी अभी पढ़ा कि होमोलिसिस को फेवर करने वाला पोल जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट, यहां पर हेट्रोलिसिस को फेवर करने वाले उसके उल्टे हो जाएंगे, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट फेवर हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिसिस को प्रमोट करते हैं बेटा या फेवर करते हैं। अब बात उठी सर पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं बेटा, तो पोलर सॉल्वेंट देखिए दो तरीके के होते हैं या दो प्रकार के होते हैं पोलर सॉल्वेंट। एक पोलर प्रोटिक हो सकता है और एक होता है पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्या है? मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर हो और प्रोटॉन दे सकते हो, प्रोटॉन मतलब H+ आयन दे सकते हो, वो पोलर प्रोटिक कहलाते हैं। जैसे वाटर
सबसे अच्छा साल्वेंट है बेटा, इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, H2O। ठीक है, ये H2O अपने अंदर से क्या देता है बेटा, H प्लस आयन यानी प्रोटॉन देता है। इसके साथ साथ एल्कोहल भी क्या होता है, साल्वेंट होता है। एल्कोहल में भी बहुत सारी चीजें घोली जा सकती हैं, ये भी क्या देता है बेटा, H प्लस आयन देता है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल है पोलर प्रोटिक यानी जो प्रोटॉन दे सकते हो, यानी पोलर ए प्रोटिक क्या होंगे बेटा, ऐसे पोलर कंपाउंड या ऐसे पोलर साल्वेंट जो प्रोटॉन ना दे सकते हो लेकिन पोलर हो। इसके एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे, जैसे एसीटोन आपने पढ़ा होगा, क्लास नाइन्थ में भी आपने पढ़ा एसीटोन के बारे में, CH3, COCH3 एसीटोन। ये पोलर तो है क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो क्या है बेटा, पोलर है। कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने की वजह से ये बॉन्ड क्या होता है बेटा, पोलर बॉन्ड होता है। लेकिन ये प्रोटिक नहीं है क्योंकि ये प्रोटॉन नहीं दे सकता है। प्रोटॉन वही मॉलिक्यूल दे सकता है बेटा जिस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन से लगा हाइड्रोजन हो। ठीक है, कार्बन से लगा हाइड्रोजन बहुत रेयर कंडीशन में H प्लस के रूप में निकलता है। ठीक है, और एसीटोन के साथ साथ यहां पर डाइमिथाइल सल्फाइड, जैसे मैं यहां पर अगर इसको हटा दूं, ये पूरे कार्बोनिल ग्रुप को अगर मैं हटा दूं तो देखिए डाइमिथाइल सल्फाइड मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, CH3 का होल ट्वाइस S डाइमिथाइल सल्फाइड। ओपनली इसे आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CH3 S CH3 डाइमिथाइल सल्फाइड। ये भी एक पोलर साल्वेंट है, या कहें कि ये भी एक गया बेटा पोलर ए प्रोटिक साल्वेंट है, प्रोटॉन नहीं दे सकता बेटा क्योंकि यहां सल्फर और कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने की वजह से ये पोलर होता है। इसके अलावा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, जैसे यहां पर अगर मैं सल्फर से क्या लगा दूं बेटा, ऑक्सीजन लगा दूं तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बन जाएगा। ये भी क्या बेटा, पोलर एप्रोटिक साल्वेंट है। तो पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिफरेंस जीरो नहीं होगा तभी हेट्रोलिसिस की संभावना है। और फेवरेबल चीज़ें कौन है जो हेट्रोलिसिस को प्रमोट करती हैं या फेवर करती हैं बेटा, वो है पोलर साल्वेंट। और पोलर साल्वेंट दो प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया पोलर प्रोटिक और पोलर ए प्रोटिक। पोलर प्रोटिक यानी ऐसे साल्वेंट जो प्रोटॉन दे सकते हो, H प्लस आयन दे सकते हो, उसे पोलर प्रोटिक कहेंगे। इसमें हमें वाटर और एल्कोहल बेस्ट एग्जाम्पल मिले। और उसके बाद पोलर ए प्रोटिक में भी हमने एसीटोन को भी देखा, हमने डाइमिथाइल सल्फाइड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड इनको देखा बेटा। ठीक, आज हमने क्या सीखा बेटा, बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिशन। और बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिशन क्या है, हमने देखा कि ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड क्लीवेज। दो तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड की जो है ब्रेकिंग होती है, एक तो वो जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक जैसे फ्रेगमेंट जनरेट होते हैं, इसे होमोलिसिस कहते हैं बेटा। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूटे अलग अलग फ्रेगमेंट जनरेट हो तो हेट्रोलिसिस कहलाता है। कब कोवेलेंट जो है कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो उसकी कब होमोलिसिस होगी और कब उसकी हेट्रोलिसिस होगी, ये भी हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड जिस एटम के बीच बना होता है उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम होती है तो होमोलिसिस होती है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड जिस एटम के बीच बना है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है तो हेट्रोलिसिस के द्वारा वो बॉन्ड टूटता है। हमने ये भी बताया बहुत सारी चीज़ें हैं जो होमोलिसिस को प्रमोट करती हैं या फेवर करती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हेट्रोलिसिस को प्रमोट करती हैं फेवर करती हैं। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट।